लोकतंत्र का मंदिर संसद है। यह वह स्थल है जहां जन जन की भावनाएं, आशाएं और आकांक्षाएं आकर एक साथ संयुक्त होती हैं और उनके ही आधार पर राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन होता है। परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है और वह मूल्य उन महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं जो कि संसद भवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर थी, अब चूंकि संसद भवन एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, अतः उन्हें एक स्थान पर एकत्र करके यानी संपूर्ण प्रेरणास्पद प्रतिमाओं को एक स्थान पर एकत्र करके उसे एक प्रेरणा पुंज का स्वरूप देना, यह प्रेरणा स्थल के रूप में मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। लोकतंत्र का मंदिर संसद है। यह वह स्थल है जहां जन जन की भावनाएं, आशाएं और आकांक्षाएं आकर एक साथ संयुक्त होती हैं और उनके ही आधार पर राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन होता है। परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है और वह मूल्य उन महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं जो कि संसद भवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर थी, अब चूंकि संसद भवन एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, अतः उन्हें एक स्थान पर एकत्र करके यानी संपूर्ण प्रेरणास्पद प्रतिमाओं को एक स्थान पर एकत्र करके उसे एक प्रेरणा पुंज का स्वरूप देना, यह प्रेरणा स्थल के रूप में मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। लोकतंत्र का मंदिर संसद है। यह वह स्थल है जहां जन जन की भावनाएं, आशाएं और आकांक्षाएं आकर एक साथ संयुक्त होती हैं और उनके ही आधार पर राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन होता है। परंतु यह व्यवस्था का संचालन कुछ मूल्यों से भी प्रेरित होता है और वह मूल्य उन महापुरुषों के जीवन से मिलते हैं जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, विचारों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा। और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं जो कि संसद भवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर थी, अब चूंकि संसद भवन एक नया स्वरूप धारण कर रहा है, अतः उन्हें एक स्थान पर एकत्र करके यानी संपूर्ण प्रेरणास्पद प्रतिमाओं को एक स्थान पर एकत्र करके उसे एक प्रेरणा पुंज का स्वरूप देना, यह प्रेरणा स्थल के रूप में मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है।